सोनभद्र के रेणुसागर में स्थित हिंडाल्को इंडस्ट्रीज रेणुसागर पावर प्लांट में स्वच्छ वायु दीर्घायु कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री अरुण कुमार समेत अपर मुख्य सचिव पर्यावरण मनोज कुमार, राज्य मंत्री वन पर्यावरण पीके मलिक समेत कई रिसर्चर्स और अन्य अधिकारी शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से वायु जल प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अलग अलग लोगों ने अपने सुझाव देने के साथ ही वृक्ष लगाने को लेकर जोर दिया। इस दौरान जनपद सोनभद्र में स्थित तमाम परियोजनाओं से बिजली, कोयला, बालू, गिट्टी समेत पर्यटक स्थल के रूप में बढ़ावा देने को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं मंत्री ने 269 गांव जो क्लोराइड युक्त हो चुके हैं उसकी जांच कराकर बेहतर जल देने की बात कही। मंत्री जी, आज सोनभद्र में जो हिंडाल्को रेणुसागर है यहाँ पे एक कार्यक्रम है, उसमें आप उपस्थित हैं, क्या कुछ कार्यक्रम था सर? ये स्वच्छ वायु दीर्घायु कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके लोगों को पता लगे कि वायु की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, हमें शुद्ध वायु कितनी जरूरी है। अगर वायु सही नहीं होगी तो कुछ नहीं, और वायु का तो यह है इतनी जरूरी है ऑक्सीजन कि आदमी 12 दिन 15 दिन तक बिना खाए रह सकता, 3 दिन तक बिना पानी के जी सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के 3 मिनट भारी पड़ जाएंगे।